मेरा नाम अपूर्व है और वाइल्ड लाइफ फिल्म मेकिंग मेरा पैशन। मैं दिल्ली में रहता हूँ और जब भी मुझे मौका मिलता है इस शहर की भीड़ भाड़ से दूर नेचर और वाइल्ड लाइफ में वीडियोस बनाने निकल जाता हूँ। मैं अपने पैशन को एक स्टेप और आगे ले जाने की कोशिश कर रहा हूँ और अपने वाइल्ड लाइफ फिल्म मेकिंग और उससे रिलेटेड ट्रैवल वीडियोस को आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अगर आपको वाइल्ड लाइफ वीडियोस देखना अच्छा लगता है और मेरा एफर्ट पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड नाउ लेट्स वॉक इनटू द वाइल्ड। दो हजार साल तो नहीं, लेकिन रामनगर से बस फाटो जोन के गेट तक ही पहुंचने में हमें एक घंटे से ऊपर लग गए। फाटो जोन जिम कॉर्बेट का एक नया जोन है जिसको खुले हुए अभी बस सवा साल हुए हैं और ये जोन अभी भी टूरिस्ट में बहुत फेमस नहीं है। ये वाली मेरी जिम कॉर्बेट की ट्रिप प्री प्लान नहीं थी और बस एक फैमिली आउटिंग थी और इसलिए मैंने लास्ट मोमेंट पे कैंटर सफारी की और अब फाटो में सफारी कर रहा हूँ क्योंकि फाटो जोन की सफारी आसानी से मिल जाती है। तो देखते हैं आज हमारे भाग्य में क्या लिखा है। फाटो को टूरिज्म का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। मेरा नाम चंद्रवंश है। ये हमारी जंगल सफारी है, नेचुरल हैबिटेट है, ठीक है। किसी प्रकार की ऐसी डिवाइस के बैरिकेडिंग नहीं है जो एनिमल को रोका जाए। ये चीज़ का खासकर ख्याल रहेगा, कोई भी रेफर वगैरह बॉटल वगैरह बाहर नहीं डालना है क्योंकि एनिमल खा लेता है तो उसको डिस्टर्ब बीमार हो जाता है, क्या उसको उपचार नहीं मिल पाता, इस कारण से डेथ भी हो जाती है। और एक चीज़ का खासकर ख्याल रहेगा, कोई भी गाड़ी सफारी के दौरान गाड़ी से उतरेगा नहीं और स्मोकिंग अलाउ नहीं है, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन हो जंगल के बारे में पूछ सकते हैं। और ये हमारा जोन 512 हेक्टेयर में फैला हुआ है और जो मैक्सिमम इसकी प्रॉपर एरिया की बात की जाए तो 25 किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ जोन है। पूरा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है 1288 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे जो एनिमल पाए जाते हैं, रियल बंगाल टाइगर्स, लेपर्ड, कैट, तीन एक ही फैमिली के सदस्य हैं। प्लस यहाँ पे तीन प्रकार के डियर हैं, स्पॉटेड डियर, सामर डियर, वार्किंग डियर। 600 प्रकार की बर्ड्स हैं। कुछ माइग्रेट कर जाती हैं, जो 40 के आसपास यहाँ पे बर्ड्स हैं जो यहाँ पे रियली पाई जाती हैं। तो बाकी कुछ माइग्रेट्स करती हैं हिमालय और तुम्हारे की राजस्थान से ग्रीन बीटर, एशिया से पैराडाइज फ्लाई कैचर, ऐसी बर्ड्स माइग्रेट करके आती हैं। और यहाँ पे काफ़ी रेयर चीज़ है, बेयर भी यहाँ पे दिख जाता है। यहाँ पे कितने टाइगर्स हैं? यहाँ पे टाइगर्स इस जोन की बात की जाए तो यहाँ पे मैक्सिमम 9 से 10 के आसपास टाइगर्स हैं। ओके। और यहाँ पे 3 मेल हैं और 3 फीमेल और उनके बच्चे हैं। अभी फिर रिसेंटली एक के बच्चे 4 हो रखे हैं। okay. और 4 बच्चे एक के बड़े जो 2 ईयर प्लस के हो चुके हैं। इस जोन के अधिकतर गाइड्स बहुत यंग हैं और कुछ तो अभी कॉलेज में ही पढ़ रहे हैं। इस जोन के खुलने से आसपास के गांव वालों को जॉब्स और बिजनेस की अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिल गई हैं। यहाँ इस जोन में फेमस टाइगर कौन है? देखो सर, इस जोन की बात की जाए तो अभी यहाँ पे ऐसा कोई फेमस टाइगर का नाम नहीं दिया गया। okay. नाम हम उसी कंडीशन में देते हैं टाइगर्स को कि जब वो रेयर साइटिंग करवाता है, अधिकतर जैसे मॉर्निंग इवनिंग अच्छी साइटिंग करा रहा है तो उसको नाम दे देते हैं। okay. जैसे आप लोग फोटोग्राफर हो गए, नेचुरलिस्ट हो गए, तो क्या उनको नाम दे देते हैं। तो यहाँ पे अभी ऑलरेडी किसी को नाम नहीं दिया है। अभी इस जोन में इवनिंग सफारी 2:30 से 5:30 बजे तक होती है और हम ऑलरेडी 1 घंटा लेट हैं, मतलब हमारे पास अभी बस 2 घंटे ही बचे हैं। अभी तक तो हमें एक भी जानवर नहीं दिखा है, यहाँ तक कि स्पॉटेड डियर भी, जो सबसे कॉमन एनिमल है। ये एक नेचुरल वाटर होल है जहाँ जानवर पानी पीने आते हैं, लेकिन ये भी एकदम खाली पड़ा है।
इस जोन में अभी तक कोई भी जानवर नहीं दिखा और बस घनी झाड़ियां ही दिख रही हैं। तो ये झाड़ियां लैंटाना की हैं और अंग्रेज इसको भारत में लेके आए थे और अब ये इंडिया के जंगल के लिए एक कैंसर बन चुका है। लैंटाना की गिनती दुनिया की 10 सबसे खराब झाड़ियों में की जाती है और ये जहाँ भी उगता है वहाँ और किसी भी घास और पौधे को उगने नहीं देता है और धरती को बंजर बना देता है। लैंटाना जहरीले होते हैं और इसकी पत्तियों को कोई भी जानवर नहीं खाता। लैंटाना की प्रॉब्लम इंडिया में इतनी बड़ी है कि यहाँ के फॉरेस्ट में 40% एरिया को इसने कब्जे में कर लिया है और इसको इंडिया से हटाने के लिए 40,000 करोड़ रुपए लगेंगे, जो आज इंडिया के एनुअल बजट का 1% है। तो अब जाके इस जोन का पहला जानवर दिखा, ये स्पॉटेड डियर है और ये भी झुंड में नहीं है और बस अकेला बैठा है। ये जोन अभी नया है और सफारी गाड़ियों में यहाँ जीपीएस अभी नहीं लगाया गया है, तो अभी जिप्सी की स्पीड और पोजीशन को ट्रैक नहीं किया जा सकता, जिसका फायदा ड्राइवर्स खूब उठाते हैं। अभी तो ऐसा लग रहा है कि कहीं पहुंचने की जल्दी है और आगे कुछ जिप्सीज दिख रही है, मतलब वहां कोई एक्टिविटी हो सकती है। यहाँ फिर से एक वाटर होल है और यहाँ सच में कुछ एक्टिविटी हो रही है। यहाँ हाथियों का झुंड अभी पानी में है। जंगल में इतने पास से मैंने कभी भी इतने हाथियों को नहीं देखा। इधर लेफ्ट में अंदर। अरे यहाँ पे है यार, हटना पीछे गाड़ी को नहीं है कोई। अचानक से हाथी की आवाज आई और ऐसा लग रहा है आसपास की झाड़ियों में और भी हाथी हैं और वो कहीं से भी आ सकते हैं। जंगल में टाइगर से ज्यादा डर हाथियों का होता है और जहाँ आसपास इतने हाथी हो तो और भी चौकन्ना रहना पड़ता है, क्योंकि इससे डर तो ओपन होता दिख जाता है एकदम। वो है क्या? हाँ, लग तो हो रहा है, मूवमेंट तो कर रहा हूँ। हाँ, गया अंदर। और फिर से एक और हाथियों का झुंड जो झाड़ियों से निकल के पानी की ओर जा रहा है। ये है एक बड़ा टस्कर। टस्कर हाथियों को कहते हैं, जिसका मतलब है बड़े दांतों वाला। एक हाथी 100 से 200 लीटर या उससे भी अधिक पानी एक दिन में पी सकता है। हिमालय के पास रहने वाले ये हाथी राजा जी से जिम कॉर्बेट होते हुए नेपाल की ओर प्रवास यानी माइग्रेट करते हैं। हाथी झुंड में रहते हैं और ये अपने बच्चों को बहुत प्रोटेक्ट करते हैं। ये 24 घंटे में से 16-17 घंटे खाते और चलते रहते हैं। हाथी के बच्चे हमेशा अपनी माँ के पास ही रहते हैं और खेल खेल में बहुत कुछ सीखते हैं। हाथी के बच्चे को अपने सूंड को एक्सपर्ट की तरह यूज करने में लगभग 4 साल लगते हैं। हाथियों के लिए पानी और कीचड़ से नहाना बहुत ज़रूरी होता है। इससे वो अपने बॉडी के टेम्परेचर को कंट्रोल करते हैं और कीचड़ इनको तेज़ धूप
और कीड़े मकोड़ों से बचाता है। बहुत देर तक हाथियों को देखने के बाद हम फिर से निकल गए हैं टाइगर की खोज में। फाटो जोन में जहां हाथियों और बाघ की एक्टिविटी होती है वो एरिया बहुत छोटा सा है और हम बस उसी एक सीधे रास्ते पे इधर उधर अपना लक ट्राई कर रहे हैं। और फिर से हम उसी वाटर होल पे आ गए हैं, लेकिन अब यहाँ सब कुछ शांत पड़ा है और जब आसपास हाथी ना हो तो टाइगर के पानी पीने का अच्छा मौका होता है। हर कोई इसी आस में है कि कब कोई टाइगर पानी पीने यहाँ आए और एक अच्छी साइटिंग हो। अभी तो बस एक स्पॉटेड डियर यहाँ पानी पी रहा है और फिर से एक अकेला टस्कर यहाँ निकल के आ गया है, लेकिन यह पानी पीने या नहाने के मूड में नहीं लग रहा है। हम वापस से सेम रास्तों पे एक चक्कर काटने निकल गए और जब मैं पेड़ पे एक मंकी को शूट करने की कोशिश कर रहा था तभी हमें स्पॉटेड डियर की कॉल सुनाई दी। कॉल लेकिन एक दो कॉल्स के बाद वापस से जंगल एकदम शांत हो गया। यहाँ बंदर भी आराम से खाने में बिजी हैं और इन्हें किसी बात की कोई चिंता नहीं है। और थोड़ा वेट करने के बाद अब फिर से लास्ट ट्राई करने हम जा रहे हैं उसी वाटर होल पे, लेकिन ये अभी भी एकदम खाली है। और अब यहाँ बंदरों के पानी पीने की बारी है और फिर से वही टस्कर भागता हुआ इधर उधर घूम रहा है। फाइनली ये भी दिन पूरा होने से पहले कीचड़ और पानी से नहाने लगा, लेकिन ये कुछ बेचैन सा लग रहा है और झाड़ियों की तरफ बार बार देख रहा है। इसके इस बिहेवियर से ऐसा लग रहा है कि झाड़ियों में हो सके कोई टाइगर हो जो पानी पीना चाहता हो और ये हाथी उसको डराने की कोशिश कर रहा हो। लेकिन अब 5:15 बज गए हैं और हमें 5:30 तक एग्जिट गेट पे पहुंचना है, तो हमें ये जगह अब छोड़ के जानी पड़ेगी और शायद हमारे जाने के बाद यहाँ सच में कोई टाइगर पानी पीने आए। अब जाते जाते एक लास्ट ट्राई और करके देखते हैं अगर कोई टाइगर क्रॉस करता हुआ दिख जाए। लेकिन ना चाहते हुए भी अब हमें जल्दी से एग्जिट करना होगा। आज की सफारी में हमें टाइगर तो नहीं दिखा, लेकिन इतनी अच्छी एलिफेंट की साइटिंग, वो भी इतने पास से, मैंने आज तक नहीं की। अगर आपको इस सफारी का एक्सपीरियंस अच्छा लगा हो तो मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। टाइगर दिखे ना दिखे, लेकिन मैं आपको ऐसे ही हमारे भारत के जंगलों की सैर कराता रहूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट सफारी पर।